नमस्कार दोस्तों, काद्यांश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त आसान वाली मिठाई। अब आप ये मत कहिएगा कि आसान कैसे है, क्यों है, दिखने में तो बड़ी डेंजरस लग रही है, बहुत ही जैसे हैवी वर्क कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप ज़रूर इसे देखिए वीडियो को अंत तक। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं बिस्किट्स, ये है हमारी बिस्किट और लगभग 14-15 बिस्किट लिए हैं मैंने, और इसे मैं रफली तोड़ करके ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ, और इसका हमें बना लेना है पाउडर। तो आप देख सकते हैं पाउडर हमारा बन करके तैयार हो गया है, ये देखिए। और इसे मैं डाल लूँगी दो इक्वल भागों में, दो कटोरियों में, दो बोल्स में। और दो में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आपने मिठाई का तो रंग आपने देख ही लिया होगा, हरा और लाल, तो मैं दोनों में अलग अलग कलर डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के कलर डाल सकते हैं, कलर भी ऑप्शनल है दोस्तों, आप बिना कलर के भी मिठाई बना सकते हैं, लेकिन कलर डालने से थोड़ा सा लुक ज़बरदस्त आ जाता है। तो एक में मैंने डाल लिया है लाल रंग और एक में मैंने डाल लिया है हरा रंग। और ये है मिठाई मेट, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, कंडेंस मिल्क के नाम से मिलता है बाज़ार में। और बस हमें एक एक चम्मच करके ही डालना है हमारे जो बिस्किट का पाउडर है उसमें, क्योंकि हमें बस इतना ही डालना है कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, इसका एक आटे की तरह हमें बना लेना है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं होता है, बस 2-3 चम्मच ही मैक्सिमम लगती है। और बस जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से हमें इसे गूंथते हुए बाइंड कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है दोस्तों, इसमें ना तो हमें चूल्हा जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें ओवन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर में थोड़ा सा कलर कम था, तो मैंने एक दो ड्रॉप्स इसमें और डाल लिया है, और मैंने इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि ये अच्छी तरह आटा है अच्छी तरह से इसका बन जाए बिस्किट का आटा। और ये देखिए अच्छी तरह से ये बाइंड हो रहा है, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, उसे आप साइड में रख दें। और जो दूसरा बोल था जिसमें मैंने लाल रंग डाला था, वो भी मैंने अभी प्लेट में डाल दिया। और इस तरीके से हमें एक एक चम्मच डाल करके, कंडेंस मिल्क डाल करके अच्छी तरह से बाइंड कर लेना है। तो ये काम आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, उन्हें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये कॉन्सेप्ट, और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनने वाली है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं, 1-2 चम्मच। ये नॉर्मल मीठा है, ज़्यादा मीठा खाने वाले इसमें ज़रूर चीनी को डालिएगा, चीनी को पीस करके। और ये देखिए ये भी हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, दोनों कलर मेरे बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट बन चुके हैं। अब इसकी हम एक छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से छोटा छोटा पार्ट हमें तोड़ करके बॉल बना लेने हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से हमारा जो हौसला है वो 2 गुना 3 गुना 10 गुना हो जाता है। तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, क्योंकि इतनी आसान सी रेसिपी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और ये देखिए अब हम इस मिठाई को रेडी कर लेते हैं। तो मैंने 3 हरे रंग के बॉल ले लिए हैं और 3 ले लिए हैं लाल रंग वाले, और उन्हें हम अंदर की तरफ पुश करेंगे ताकि ये अच्छी आपस में चिपक जाएं। और इस तरीके का जो झारा होता है जिससे हम पूरियां वगैरह तलते हैं, तो उसे हम प्रेस कर देंगे ताकि उस पर एक डिज़ाइन सा उसका बैठ जाए। तो ये आप देखिएगा ध्यान से, बॉल सब हम ऐसे लेंगे और अंदर की तरफ ऐसे धकेलना है, धकेलेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, ताकि हम जब मिठाई खाएंगे तो ये खुलेंगे नहीं। तो ज़रूर आप प्रेस करें और ऊपर से भी हल्का प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से बाइंड हो जाए। तो आप देख सकते हैं बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, आपको किचन में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आराम से आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ करके इसे बना सकते हैं। और ये देखिए ये ऊपर से भी सेट हो गई है, आप देख सकते हैं कलर भी बहुत सुंदर सा आया है। और इस तरीके से जो झारा होता है उसे हम पुश करते हुए अंदर की तरफ इसे ताकि इसका जो डिज़ाइन है वो आ जाए मिठाई के ऊपर, थोड़ा सा दबा करके हम उसे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इस आसान सी रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर 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 बनता है, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आसान रेसिपी आप तक पहुंचे।